ओके गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े कर रहे होंगे और आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो जाके देखो। फिलहाल हम हैं दुबई में और ये हमारी एक छोटी सी सीरीज चलती आ रही है जो कि बड़ी भी हो जाएगी आके जाके। और जो भी आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखना। तो आज हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह पे जो कि है वर्ल्ड फेमस डेजर्ट सफारी ऑफ दुबई। यस, सो वी आर गोइंग टू डेजर्ट सफारी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम। मैंने काफ़ी सुना था, काफ़ी वीडियोस देखी थी, यहाँ पे बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग वगैरह होती है सैंड पर और काफ़ी पैकेज भी इंक्लूड होते हैं। हमने काफ़ी सारे रिसर्च करके जो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो बिना किसी देरी के हमारा हो गया टाइम जाने का, सो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। सो लेट्स गो हबीबी। देखो जी, आइए हमारी आज की सवारी। हम बैठ गए हमर के अंदर और ये पाजी हमारे हैं पाकिस्तान से, ये हमारे को आज घुमाएंगे डेजर्ट सफारी में और इनकी ही है हमर S2। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। सो गाइस, कैसा लग रहा है आप सबको? एक्साइटेड। स्पेशल थैंक यू टू जीजू अरेंजिंग दिस कार स्पेसिफिकली आपको। तो आज एक्चुअली सो चलो आज की राइड को शुरू करते हैं। आगे है जी हम अपने पॉइंट पे, ये है डेजर्ट और यहाँ होगी डेजर्ट सफारी। अभी हम टिकट्स वगैरह के लिए जाएंगे और ये नीचे मेरे पीछे खड़ी है हमर, जो हमारी आज की सवारी है। आई एम क्वाइट ऑब्सेस्ड विद कार्स, सो सॉरी फॉर दैट, बट ये देखो इसमें जाएंगे आज। यहाँ पे होती है जी राइड होती है जो ड्रोन बैशिंग वगैरह, तो सफारी में आपकी शुरू होती है। जैसे हमने, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी, हमने लद्दाख के अंदर करा था ना, वहाँ पे वाइट सैंड ड्यून के ऊपर करा था। ये क्वाड बाइक्स होती है, इनको ऑफ रोड कर सकते हो, 150 दिरहम इसके पर पर्सन है। आप खुद इसको ड्राइव कर सकते हो और आप मोर देन मतलब 4 सीटर वाली ऑप्शन भी इसके अंदर ले सकते हो। एक गाइड आपके साथ जाएगा आगे बाइक पे जो आपको एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस देगा साथ साथ व्हेन यू आर ड्राइविंग दिस व्हीकल। सो अभी तो हमारा कुछ प्लान नहीं है इसको करने का, हम ड्यून बैशिंग ही करेंगे, बट देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि आधे घंटे बाद यहाँ से हमारी सफारी शुरू होगी। ये व्हीकल्स हैं, 4 वाली सीटिंग के हैं ये, और स्टेयरिंग है इसमें, हैंडल वाले नहीं हैं और सिंगल वाले भी हैं, वो भी आप चला सकते हो। ये सारी मार्केट है इधर, यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह नहीं है जी इसके अंदर कुछ, देख लो ये सारी चीज़ें मेंशन है, करने से पहले इसे पढ़ लेना। ये अपने राइडिंग पॉइंट से अब हम जा रहे हैं, ये जो वाला पॉइंट मैंने आपको भी बताया था ना, जहाँ पे एक क्वाड बाइक चला सकते हो आप सैंड के ऊपर। 2 सेक्शन है, एक में तो आप 4 बंदे बैठ के चला सकते हो जहाँ पे ड्राइव करोगे आप, उसमें स्टेयरिंग है, और दूसरा क्वाड बाइक है जो हमने अब बताया भी था आपको, मैंने लद्दाख में चलाई थी वाइट सैंड के ऊपर। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी डेजर्ट सफारी के लिए। वहाँ पे भी ये चीज़ होती है जो भैया हमारे साथ है मेरे भाई, वो बता रहे हैं कि वहाँ पे भी आप चाहो तो ये ऑप्शन है, अगर मूड करे तो कर सकते हो। तो लेट्स सी, पहले थोड़ा सा क्रेज़ इसका है तो ये शौक पूरा कर लेते हैं। अब भाई शुरू है सफारी राइड, अब आएगा मजा।
भाई गजब 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 मजा आ गया भाई साहब, एकदम एड्रेनलिन रश ना नीचे से ऊपर आसमान की तरफ चले जाता है, बहुत मजा आया यार। ये देखो चारों तरफ रेत ही रेत है और ये पीछे खड़ी है गाड़ियां अमर, ऊपर से नीचे तक हिला के रख दिया पूरा, बहुत मजा आया। वर्थ कमिंग सीरियसली हबीबी कम टू दुबई, मजे आ गए इतना हिले हम ऐसे 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 अभी तक हिल ही रहे, बट ऑसम वर्थ कमिंग टू डेजर्ट सफारी। तो वापस आके फाइनली हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्वाड बाइक, हमने एक सिंगल कॉमन बाइक ली है उसी पे हम दोनों बैठेंगे और एंजॉय करेंगे, और ये रही पीछे क्वाड बाइक जो है रेडी हो रही है हमारी। 200 दिरहम लगे हमारे टोटल इसके अंदर, तो अच्छा डिस्काउंट मिल गया, मेरे भाई ने दिलवाया है, तो चलो अब इसको राइड करते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं इसका। चलो लेट्स गो, रेडी जा रहे हैं अपना स्पॉट बाइक लेकर डेजर्ट पे एक्सपीरियंस करने के लिए, और आगे आगे हमारे गाइड भी चल रहे हैं, वो हमें गाइड थ्रू करेंगे कहाँ पे जाना है। तो चलो इस राइड का मजा लेते हैं और वो देखो वो रहे हमारे गाइड आगे। सनसेट हो रहा है यहाँ पे, सूर्यदेव सूर्यास्त हो रहा है, ये जा रही है यहाँ सफारी होते हुए, और ये हमारी सवारी। हाउ वाज इट राइडर? मजा आया, पहले हमने नुब्रा वैली में भी किया था, वो वाले ड्यून्स थे, वो हमारे इंडिया के ड्यून्स थे, अब हमें दुबई के ड्यून्स के अंदर मजा आया। अभी तक इन्होंने राइड किया है, जब मैं राइड करूंगी तो मुझे ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू भैया, थैंक यू भाई। ये देखो एकदम पूरा डेजर्ट हर जगह डेजर्ट। ये हमारी गाइड राइड थी और ये अतिक भाई है, हमें घुमाने लेकर आए हैं पूरे सैंड ड्यून के अंदर, और ये रही हमारी सवारी। आपके लिए बता दो जिनको नई आइडिया होता है क्वाड बाइक के अंदर, तो नॉर्मली ये मोटरसाइकिल की तरह हैंडल्स होते हैं, चार पहिए होते हैं इसके, रेस इसकी ये होती है, और ये दोनों ब्रेक्स हैं ऊपर, ठीक है, और ये इसकी कीज है इसको ऑन करने के लिए, और इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होती है। ओके, ब्रेक एंड स्विच जस्ट लाइक स्कूटी। के आ गए हैं रेत का बिल्कुल, मज़ा बहुत ज़्यादा आया है। जो हमारी लद्दाख में एक्सपीरियंस था ना वाइट डेजर्ट का, उससे भी कई ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 200 दिरहम के आसपास लगे थे, लेकिन साथ में गाइड भी जाता है जो अपनी क्वाड बाइक के ऊपर होता है, बट सीरियसली अमेजिंग एक्सपीरियंस था, वर्थ डूइंग है। यहाँ पर आओगे डेजर्ट बैशिंग के लिए जाओगे सफारी में, ये भी ज़रूर कर लेना, वर्थ डूइंग है सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है कैंपेन ऑफ डेजर्ट। अभी हमने कार चेंज करी है, अमर से हम आ गए हैं प्राडो के अंदर, अब यहाँ से बैठ के अपने मेन पॉइंट पर चल गए।
ये टेक ओवर लैंडिंग होती है इसकी बढ़िया वाली। कैमल राइड शॉर्ट सी थी, शॉर्ट कैमल राइड करने के बाद अब हम जा रहे हैं अंदर जो भी हमारे लाइव शोज है वो देखने के लिए। आ गए हैं अंदर जहाँ पर शो होना है बेसिकली, और यहाँ पर भी आई भी हमारी सीट रिजर्व थी जो हम पहले से बुक करा गए थे उसी के अंदर इंक्लूडेड है। ये प्रीमियम लाउंज है बेसिकली ना, तो जो नीचे नॉर्मल आते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, हमारे लिए सोफे वाली सीट्स भी हैं। तो आपको कैसा लगता है, प्रीमियम फीलिंग मिल रही है? मेरे तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यार, मैं तो वहाँ जाके नीचे ना बैठ रहा था, जगह देख रहा था ढूंढने के लिए, तो मुझे इन्होंने बुलाया कि यार हमारा ये प्रीमियम एक्सेस है तो ऊपर सोफा वगैरह लगा हुआ है, जैसे स्टेडियम में मैच वगैरह देखने जाते हैं वो शाहरुख खान वगैरह को देखे, बिल्कुल प्रीमियम सीट में बालकनी में बैठे हुए हम, यहीं पर ही खाना वगैरह भी होगा हमारा, विच इज एवरीथिंग इंक्लूड इन द टिकट। वो प्राइस हम आपको आराम से बताएंगे जब फ्री होंगे यहाँ से। अभी बैली डांस होके हटे तो फिर स्नैक्स वगैरह वाला हो गया था, अब हम अपना मेन कोर्स लेके आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है खाना देखने में, वेज वालों के लिए वेज ऑप्शंस भी है, नूडल है, पास्ता है, छोले है, इंडियन फूड तो है यार, बहुत सारा इंडियंस ही इतने सारे आते हैं, मतलब ऐसे देसी लगेगा बिल्कुल आपको यहाँ पे, तो खाने की टेंशन नहीं है, नॉन वेजिटेरियंस बहुत और वेजिटेरियंस के लिए भी। ये है जी फीस्ट हमारी, वेज में ऑप्शन है दाल, राजमा, छोले, आलू की सब्जी, चावल और ये पीता ब्रेड और हमस ब्रेड। यहाँ पे आके मिडल ईस्ट में तो खाओ, पास्ता है, एलपिनोज हैं, नूडल्स भी हैं, नूडल्स बहुत मोटे मोटे हैं और ये रोटीज़ है साथ में थोड़ी सी, और ये सामने व्यू है। क्यों जी कैसा है जी एक्सपीरियंस? बढ़िया है, अभी भी अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक है, जब मर्जी जाओ और प्योर अनलिमिटेड फूड बफे है, तो अब शो एंजॉय करते हैं साथ में खाना। अच्छा भाई Garden and he's a lovely person who's attending. Hi. Thank you for the service. Thank you. Thank you. Seriously, thank you. Thank you so much. The reception guys. Thank you, sir. Thank you for the service. This is a VIP guest. Please share the name. Agar kisi ko contact karna ho to please. For the future guest, obviously. Future guest, inshallah. I call number. I'll put the contact number. Yeah, definitely. You can just give the details. I will just put in the video. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Okay, let's go to the room now. Okay guys, so this was it from our food journey today from Desert Safari. I hope आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और अगर तक यहाँ तक वीडियो में आए हो नहीं सब्सक्राइब करा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर रहा, बहुत और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था यार, और हमारा तो एकदम वो कहते ना चेरी और केक वाली बात हो गई आज, तो आई एम सीरियसली अमेज्ड। और आप वीडियो अगर आपने देखी होगी उसमें जो शॉर्ट्स डाले हैं और जो क्वाड बाइक ली थी राइड, अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, मैं डिटेल्स उमेर भाई की भी शेयर कर दूंगा। और हम यहाँ रोज़ गार्डन होटल में रुके हैं जो बर्दुबई में है, और यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो जहाँ पे ये सारी बुकिंग पहले से चीज़ों ने कर रखी थी, और अभी भी काफ़ी फन बचा है ट्रिप के अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। अब तक के लिए आज के दिन को यहीं करते हैं समाप्त, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में यहीं दुबई से, सो सी यू सून विद अनदर वन हबीबी।